ये कर्जे लेकर तो कौमें नहीं बनती है, कर्जा लिए जाओ फिर सूद ना दो फिर उस पर कर्जा लो फिर वो सूद उतारो कर्जे में, तो ये हमें निकलना पड़ेगा इसे इंशाल्लाह, और हम इसके ऊपर काम करेंगे और इंशाल्लाह आपको देखेंगे कि सूबे के अंदर हमारे जो बकायाजात देने हैं इन्होंने वो हमारा हक है, मांगते हैं, मेरा हक है, मेरा सूबा आपको बिजली दे रहा है और बिजली इतनी सस्ती दे रहा है आपको, इस तरह गैस है हम दे रहे हैं बहुत थोड़ा हमें उसके ऊपर जो है चार्जेज हैं रॉयल्टी के वो भी आप हमें ना दें, तो ऐसे नहीं चलेगा। इसके ऊपर हमने बात की है उनसे और हमारी उसके ऊपर भरपूर तरीके से हमारी बात होगी, हम भरपूर तरीके से अपना हक मांगते हैं।